इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जियो का जो कीपैड फ़ोन आता है इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, या अगर आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है पहले से तो आप उसको बंद कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जियो का जो पुराना वाला फ़ोन है, पुराना कीपैड फ़ोन, उसमें ये फ़ीचर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में जो जियो का नया फ़ीचर आया है, जिसकी बॉडी कुछ इस प्रकार से दिखती है और जिसके फ़ीचर्स जो है यहाँ पर इस प्रकार से दिखते हैं, तो इस फ़ोन के अंदर आप जो है सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे करनी है वो देखिए। हाँ, एक बात और, जियो मोबाइल के कौन से मॉडल में ये फ़ीचर काम करता है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर तो ये आपका फ़ोन ले लिया, उसके बाद आपको मेन्यू बटन पे क्लिक करना है कि यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का, यहाँ पर आ तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी अगर आपको ऑन करनी हो कॉल रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, आपको इस पर ओके करना है। तो अभी देखिए अगर आप अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन है, ये बीच में दो नंबर का ऑप्शन है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये ऑटो पर हम सिलेक्ट करेंगे, बैक आएंगे सेटिंग्स पर जाकर ये ऑटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई आपको कॉल करेगा आपके इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग उसकी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको इसको बंद करना हो तो आपको वापस यहीं पर आकर यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है, तो उसके बाद आपके इस फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जियो का जो नया वाला फ़ोन आया है इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।